इंडिया में किसी भी पेरेंट्स से पूछ लो कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर कहेंगे, और बाकी अपने ही क्षेत्रों में अपने संतान को और भी कामयाब होता हुआ देखना चाहेंगे। पर हमारी कहानी की काल्पनिक पात्र बबली को तो कुछ और ही आशा थी अपने बेटे से। वो उसे कॉन मैन यानी ठगी बनाना चाहती थी। क्यों ना हो, 15 साल की उम्र में एक मशहूर फिल्म देखकर जब उसे लगा कि पैसा बनाना इतना आसान है, तो वो फिल्म को रिलाइव करते हुए रात को पापा की जेब से एक भारी भरकम रुपया और मम्मी की कुछ कीमती जेवरात चोरी करके घर से भाग गई अपनी फिल्मी बंटी को ढूंढने। बंटी तो नहीं मिला, पर एक धोखेबाज से पाला जरूर पड़ा। पहली मुलाकात में ही जब उस धोखेबाज को पता चला कि ये 15 साल की बच्ची अपना नाम बबली होने के कारण खुद को उस मशहूर फिल्म की नायिका समझ रही है, तो वो जानबूझ के अपना नाम बंटी बताया और एक झूठ मूठ की रिलेशनशिप में एंटर किया। लेकिन जैसे ही बबली का पैसा और जेवर उसके हाथ लगा, वो बबली के जीवन से ऐसे गायब हुआ जैसे दूध में से मक्खी। पर जैसे मक्खी गायब हो जाने के बाद भी उसकी फैलाई हुई गंदगी दूध को खराब कर देती है, वैसे ही बबली अभी तो ना पुलिस के पास जा सकती क्योंकि वो रुपया और जेवर उसने खुद चुराई थी, ना ही घर वापस जा सकती क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में जन्मे बच्चे से भी रूठी रूठी रहती थी बबली। कोई ढंग का नाम तक भी नहीं रखा बच्चे का, कभी नालायक, कभी हरामखोर, कभी हरामजादा कह के बुलाती थी। खाना भी ठीक से नहीं खिलाती थी और ऊपर से मारना पीटना सो अलग। पर ये सब बदल गया जब एक बार फैक्ट्री से 16 घंटे की काम करके थकी हुई बबली घर पहुंचकर देखती है कि उसके बेटा रसोई में बैठकर चोरी छिपे बिरयानी खा रहा है और उसके चेहरे पे काला रंग चढ़ाया हुआ है। आंखें सुकर के बेटे से पूछी, हे हरामखोर, बिरयानी कहां से मिला तुझे? पहले तो बेटा डर गया और बिरयानी के पैकेट छुपाने की कोशिश करता रहा, फिर मार खाने के डर से सब कुछ तोते के माफी बोलना शुरू किया। आज मैं नुक्कल के ढाबे के बहाल खाला उस लजीज पकवान को देखता रहा बहुत देर तक, फिर मैंने गौर किया कि एक काला रंग का पलिया तक उसके काले रंग के पीते के साथ तुरिस पत्ते उतरा और दो बिरयानी का पैकेट ऑर्डर किया। ढाबे वाले ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक पतीला अभी अभी तोले दे उतरा, काट का दे रहा हूँ। तो उस पलिया तक ने बोला, ठीक है, हम बत में बैठ रहे हैं, आप पैसा ले लीजिए, मैं तन विलकम एंड कलेक्ट द पार्सल, हाँ, माई तन विलकम एंड कलेक्ट द पार्सल, ये ही कहा था। पर जैसे ही वो दोनों बच के अंदर गया, मैंने देखा कि पातल रेडी हो गया था। लदीद बिरयानी का सुगंध मुझे गंदा काम करने पर मजबूर कर दिया। पाच वाले कहते छन से काला गीच मैंने अपने चेहरे पर माल दिया और उस काले पलिया तक का बेटे का एक्टिंग करके ढाबे वाले से पाचल लिया और घर वापस आ गया। बबली का बेटा ये पूरा किस्सा सुनाने के बाद अपना सर झुकाया और दोनों हाथ आगे किया बेलन से मार खाने के लिए, पर चौंक गया जब उसके हाथ के सामने अपनी माँ की फैलाई हुई हाथ देखा। घबरा कर नजर ऊपर किया तो माँ उसे पहली बार मुस्कुराता हुआ दिखा। बबली बोली, मेरी बिरयानी का पैकेट कहाँ है बंटी? बस उसी दिन से शुरू हुआ बबली और बंटी का कांड। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूं वो आगरा में रहने वाली बबली और उसका बेटा बंटी की है। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड यहां हर चीज का दो पहलू है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन सा हम चूज करेंगे ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। एक फिल्म को मेजी एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेना इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, और अगर उसमें कुछ सीख है तो वो सीख को दिमाग में गार्ड बांध देना इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। पर बबली ने तो फिल्म को नेगेटिव ले लिया, और ना कि सिर्फ अपनी बल्कि अब तो अपने बेटे का जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुली हुई थी।
उसे वो हर एक कला सिखाने में जुट गए जो एक कामयाब ठगी बनने के लिए चाहिए, जैसे कि बहुत आसानी से आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना, अपना कपड़ा तेजी से बदलना, फुर्ती से भाग जाना, मेकअप करना, भिन्न प्रकार की आवाजें निकालना, भिन्न उम्र की आवाजें निकालना, भिन्न क्लास की तौर तरीके, उसके एटिकेट, उसके बोलने का ढंग और उसके रहन सहन बाखूबी से पेश करना, और देखते ही देखते बंटी एक बहुत ही अच्छा कॉनमैन बन गया। और उसका ये सब धोखेबाजी में पार्टनर हुई उसके माँ बबली। आए दिन कोई ना कोई बबली बंटी का कांड न्यूज़पेपर में छपने लगा, टीवी में दिखाने लगा और इंटरनेट में वायरल होने लगा। कभी बैंक का एम्प्लॉय का ढोंग करके ओटीपी लेकर बैंक से भारी रकम चोरी करते थे, तो कभी आगरा का मशहूर ट्रैवल एजेंट बनकर विदेशी पर्यटकों से बहुत सारा रुपया हड़पते थे, या कभी एक साल में 100 रुपया का 1000 रुपया बनाने का स्कैम करते थे। हर बार नया तरीका, नया रूप और नया कांड, पर नाम वही रखते थे, बबली और बंटी। और जब कोरोना महामारी फैला इंडिया में, तो माँ बेटे का तो चांदी ही चांदी, हॉस्पिटल में बेड का स्कैम, ऑक्सीजन का स्कैम, यहाँ तक कि लोगों से पैसा लेकर उनके निधन हुए अपनों का शव का जलाने का या कब्र देने का कांड करने से भी नहीं चुका दोनों। इतना गिर गया दोनों माँ बेटा कि ये तक भी नहीं दिखाई दिया दोनों को कि असली फिल्म में हीरो और हीरोइन का एक कॉन्शियस नाम का भी चीज था, जो इन दोनों में तो बिल्कुल ही नहीं है। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाले की लाठी पड़ी और बबली कोरोना चलते रेकलेसली ये सब कांड करते करते खुद कोविड पॉजिटिव हो गई। उसको एक अस्पताल में भर्ती करके बंटी चला गया अपना अगला कांड करने, वैक्सीनेशन कांड। एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप खोला, कुछ पोस्टर्स लगाया, कुछ सिरिंज खरीदा और 1000 रुपया लेकर लोगों को नल का पानी इंजेक्ट करने लगा। इंसान भी कोरोना और मौत की डर से भारी तादाद में 1000 रुपया देकर इस ठग का शिकार होने लगा। सब कुछ ठीक ही चलता अगर एक एमएलए यहां वैक्सीनेशन लेने ना आया होता। जब जैब लेने के 2 घंटा बाद भी ब्राउजर से एमएलए अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाया, तो उसे शक हुआ और वो पुलिस के साथ आ पहुंचा बंटी के वैक्सीनेशन सेंटर पे। 7-8 सवालों से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बंटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो गया। छानबीन से बंटी का असली चेहरा और पिछले कांड सब एक एक करके बाहर आया और जज साहब बंटी के लिए मौत का सजा सुना दिया। महज 21 साल का एक युवा अपने काले कारनामों की वजह से आज सूली चढ़ने जा रहा है। ये खबर चारों ओर फैलते फैलते बबली के अस्पताल तक पहुंच गया और दौड़ के गई बबली जेल और बेटे से बोली, सब कांड का रुपया कहाँ है, मुझे दे दो, तुम चले जाओगे तो मेरे बुढ़ापा का क्या होगा। बंटी उस वक्त अपना आखिरी खाना खा रहा था। जब से जज साहब मौत का फरमान निकाला उसके लिए, तब से बंटी किसी से भी कोई बात नहीं किया सिवाय जेलर साहब से, और वो भी जब उसने बंटी की आखिरी ख्वाहिश पूछा, एक रॉयल डिनर और माँ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था बंटी ने। और दोनों एक साथ पूरा होता हुआ देख बंटी बहुत खुश हो गया। खाना छोड़कर दौड़ के सलाखों के सामने आया बंटी और माँ से हाथ बढ़ाने का इशारा किया। बबली लोहे के सलाखों के अंदर अपना दोनों हाथ घुसाई और बंटी टेबल नाइफ से बबली की दोनों हाथ काट दिया और फिर जोरों से हंस पड़ा। वाह, मैं उस दिन भी खा रहा था जब तुम घर आई थी और ठीक इसी तरह हाथ फैलाकर बिरयानी का पैकेट मांगी थी तुमने। काट देना चाहिए था मेरा हाथ उस दिन तुम्हें।
तो आज मेरा आयु रेखा ना कटता। कितना भयानक कहानी सुना दिया आप लोगों को, पर अगर ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ना और शेयर भी कीजिए उन सब के साथ जिसको आप कुछ अच्छा सीख देना चाहते हैं। अरे लो, नया वीडियो भी आ गया आपके स्क्रीन पर, उसे टैप कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड नेवर टाइप ठगों से। Take care.